मुंह से स्मेल आए तो क्या करें, मुंह की स्मेल कैसे दूर करें, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि मुंह की बदबू को कैसे दूर किया जा सकता है। एकदम आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है, मुंह से स्मेल आती है, तो आप एक गलती करते हैं। वो गलती पता है क्या है? आप खाना खाते हैं तो कुल्ला नहीं करते, मुंह को धोते नहीं, मतलब मुंह एक बार माउथ वॉश ज़रूर करना है। अगर आप खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं तो माउथ वॉश कर लें। एक तो ये गलती ना कर, ये गलती नहीं करेंगे तो मुंह से स्मेल आना, इससे काफ़ी हद तक सुधार होता है। और दूसरा जो आप कर सकते हैं वो आपको करना है लौंग। लौंग का इस्तेमाल आपको हमेशा, लौंग को हमेशा नहीं मतलब दिन में एक दो बार ऐसा कर सकते हैं, दाढ़ के नीचे रख कर और उसको चबा सकते हैं, धीरे धीरे चबाएं। ऐसा करने से मुंह की जो स्मेल है, कहा जाता है लौंग को है ना बैक्टीरिया का दुश्मन माना जाता है, इसलिए आप अपने मुंह की बदबू को दूर करने के लिए लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको आपको करना है कि दाढ़ के नीचे रख के चबाना है। तो जब भी आप खाना वाना खा लेते हैं, मुंह को तो आपको धोना ही है, मतलब कुल्ला तो एक बार करना ही है, मुंह को अच्छे से साफ करना है ताकि बैक्टीरिया ना पैदा हो और मुंह में स्मेल ना हो। तो आप ये काम कर सकते हैं, इससे आपके मुंह की स्मेल एकदम ख़त्म हो जाएगी। बाय। और अगर आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके के मैं और कुछ नहीं किया। बाय बाय बाय।